ही साथ आप हजरात के सामने बेहतरीन कलाम पेश फरमा रहे थे और शोरा कलाम की तादाद में भी इजाफा होता चला जा रहा है। उसके साथ ही साथ माशाल्लाह हमारे सामने वो बुजुर्गवार हस्तियां जो लंदन, ईरान और दूसरे ममालिक से मुतालिक हैं आ चुकी हैं, वो भी आप हजरात के सामने इंशाअल्लाह बारगाहे जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में अपनी अकीदत पेश करेंगी। लिहाजा इस एतबार के साथ आप हजरात कलाम समाप्त भी फरमाइए और कलाम पेश भी फरमाइए। आइए मेज़बानी के सिलसिले में मैं गुजारिश करूँ जनाब ज़हरा को पागन जी की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और सामीन को अपने कलाम सुनाएं। और इस शान के साथ मतलब यह है कि कलाम पेश फरमाइएगा ताकि हमारे अबू दर भाई की तौरी नहायत एहतमाम के साथ मतलब यह है कि आप उन्हें उनके लिए खसूसियत यह है कि वो साल के अंदर कम से कम दो मरतबा तो करबला तशरीफ़ ले ही जाते हैं और शाबान के लिए तो माशाल्लाह उनका कन्फर्म होता है कि तीन शाबान वहीं गुजरती है। नहायत फ़ालियत और मुस्तैदी के साथ आप हजरात को अपने कैमरे में महफूज फरमा रहे हैं। इस एतबार से कलाम पढ़िए भी सुनिए भी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बाहर सलामुन अलैकुम। बाहर जो हजरात तशरीफ़ फरमा है वो अंदर चलाएँ बराए मेहरबानी। मैं चंद अशार पेश करूँगा, अपना वक्त बाहरी लोगों के लिए छोड़ दूँगा। एक बार नारे सलवात पढ़ें। मौलाना ज़्यादा बरगाह ज़हरा के हवाले से मतलब ज़हरा की चाहिए चुतबा खास तौर से बतौर खास, क्योंकि मेहमानों के लिए शेर पेश कर रहा हूँ बतौर खास। ज़हरा की चाहिए चुतबा खास तौर से, ज़हरा की चाहिए जो दुआ खास तौर से, घर में बिछाओ फर्श अज़ा खास तौर से, ज़हरा की चाहिए जो दुआ खास तौर से, घर में बिछाओ फर्श अज़ा खास तौर से। शेर बतौर खास देखेंगे। गर अजमतें समझनी हो आले रसूल की, शेर पेश कर रहा हूँ बरगाह ज़हरा मुझसे साथ से सुनिएगा बतौर खास, उलमाए कराम से तवज्जो चाहूँगा। गर अजमतें समझनी हो आले रसूल की, गर अजमतें समझ ले रसूल की, पढ़ ली जिए हदीस के साथ खास तौर से, पढ़ ली गर अजमतें समझ ले रसूल की, पढ़ ली जिए हदीस के साथ खास तौर से, ज़हरा
कि चाहिए जो दुबारा खास तौर से, और शेर भी बतौर खास देखेंगे, हर एक मरज से दूर जो रहना हो आपको, बतौर खास देखिएगा दादारों, हर एक मरज से दूर रहना हो आपको, हमरा रखिए खाक शिफा खास तौर से, हमरा याली हर एक मरज से दूर जो रहना हो आपको, हमरा रखिए खाक शिफा खास तौर से, और ये शेर भी बतौर खास उसी से लगता हुआ बतौर खास देंगे, उनके करीब नहीं सकती कोई बला, बतौर खास देखेंगे बतौर खास, उनके करीब नहीं सकती कोई बला, है जिन के पास करबो बला खास तौर से, है जिन के पास करबो बला खास तौर से, और ये आखिरी शेर देखेंगे बतौर खास मौला अब्बास के हवाले से देखेंगे, फौजे ओदू के वास्ते दीवार बन गई, बतौर खास देखेंगे अबूदर भाई, फौजे अदू के वास्ते दीवार बन गई, फौजे अदू के वास्ते दीवार बन गई, गाजी ने खत जो खैंच दिया खास तौर से, फौजे अदू के वास्ते दीवार बन गई, फौजे अदू के वास्ते दीवार बन गई, गाजी ने खत जो खींच दिया खास तौर से, और मक्ता भी दुआ साथ में, बख्शा मुझे रसूल ने बागे जना में घर, बख्शा मुझे रसूल ने बागे जना में घर, ज़ैगम ने जब कसीदा पढ़ा